Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. उत्तराखंड में जहां सितंबर के महीने में 36 डिग्री पारे के साथ सूरज की तपिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो वहीं कई राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम के जानकारों की माने तो 24 सितंबर यानी कि आज कई राज्यों में बारिश के साथ साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट है। खासकर कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में झमाझम बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तरी कर्नाटक में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश के साथ ही गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, झारखंड, केरल और पूर्वोत्तर भारत में भी झमाझम बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD की माने तो तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में आज से अगले 3 दिनों तक यानी कि 24, 25 और 26 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में 24 से 27 सितंबर के दौरान भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के कुछ स्थानों में अपनी सामान्य स्थिति 17 सितंबर की जगह 23 सितंबर को वापस चला गया है। महाराष्ट्र, गुजरात और असम में ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी फिलहाल इस पूरे हफ्ते बारिश की उम्मीद है। 26 सितंबर के लिए मौसम विभाग ने 19 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा 27 सितंबर यानी कि शुक्रवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय के साथ साथ सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 28 सितंबर को भी 9 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है।